जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रीमाली ब्राह्मणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों स्कंद पुराण के कल्याण खंड में लिखा है कि एक समय गौतम ऋषि ने हिमालय के समीप भृगुतुंग क्षेत्र में शिवजी की आराधना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो गौतम ऋषि बोले, ऐसा स्थान बताइए जहाँ निर्भय होकर तपस्या करूँ। तब शिवजी ने कहा, सौगंधिक पर्वत के उत्तर अर्बुदारण्य से वायव्य कोण की ओर जाओ, वहाँ त्र्यंबक सरोवर के समीप आश्रम बनाओ, यह विश्व प्रसिद्ध तीर्थ होगा। तब गौतम जी ने वहाँ जाकर कठिन तपस्या की। तब ब्रह्मादिक सब देवताओं ने आकर वर दिया कि आज से यह गौतम आश्रम नाम से विख्यात होगा और सब देवता यहाँ निवास करेंगे। यह कहकर देवता चले गए। आश्रम का नाम श्रीमाल क्षेत्र हुआ। इस नाम का कारण यह है कि भृगु ऋषि की अद्वैत रूपिणी श्रीनाम की एक कन्या थी। नारद जी ने विष्णु भगवान के निमित्त वह कन्या देने को कहा। भृगु ऋषि सम्मत हुए। तब भगवान विष्णु ने नारद के वचन से माघ शुक्ल एकादशी को उसका पाणी ग्रहण किया। तब नारद जी बोले, भगवान अब इस वधु को त्र्यंबक सरोवर में स्नान कराया जाए, तब यह अपने स्वरूप को पहचानेगी। स्नान करते ही वह कन्या लक्ष्मी स्वरूप को प्राप्त हो गई। सब देवता विमानों में बैठ स्तुति करने लगे। तब लक्ष्मी ने देवताओं से कहा, जैसा यहाँ का आकाश विमान सुशोभित है वैसे ही यहाँ की पृथ्वी घरों से सुशोभित हो जाए। अनेक गोत्र के ऋषि मुनि यहाँ आए, मैं उनको यह भूमि दान करूँगी, अपने अंश से मैं यहाँ स्वयं निवास करूँगी। देवताओं ने तथास्तु कहा। विश्वकर्मा जी ने वहाँ सुंदर नगर बनाया। तब ब्रह्मा जी बोले, श्री के उद्देश्य से देवताओं की विभाग माला से यह पृथ्वी व्याप्त हुई है, इस कारण श्रीमाल नाम से यह नगर विख्यात होगा। तब भगवान विष्णु के दूत अनेक ऋषि मुनियों को बुलाकर लाए। कौशिकी, गंगा तटवासी गया शीर्ष, कालिंजर, महेंद्राचल, मल्याचल, गोदावरी, प्रभास, उज्जैंत, गोमती, नंदीवर्धन, सौगंधिक पर्वत, पुष्कर, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हेमकूट आदि अनेक तीर्थों से 45,000 ब्राह्मण यहाँ आए। उनको बड़े सत्कार के साथ घरों में सब सामग्री रखकर लक्ष्मी जी दान करने लगी और सबसे पहले गौतम की पूजा की इच्छा की। इसका सिंध देशवासी ब्राह्मणों ने विरोध किया। तब आंगिरस्य ब्राह्मणों ने कहा, तुम महातपस्वी गौतम का विरोध करते हो, इस कारण तुमसे वेद पृथक हो जाएगा। वह यह सुनकर चले गए। वे सिंधु पुष्करणा ब्राह्मण कहलाते हैं। जब लक्ष्मी ने कहा, पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी और साथ में 400,000 गायें दी। वरुण देवता ने उस समय देवी लक्ष्मी को 1,008 स्वर्ण के कमलों की माला पहनाई। माला के पत्रों के स्त्री पुरुषों के प्रतिबिंब दिखने लगे और वह प्रतिबिंब की स्त्री पुरुष भगवती की इच्छा से कमलों से बाहर प्रकट हो गए। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि हमारा नाम और कर्म क्या है। तब भगवती बोली, हे प्रतिबिंबोत्पन्न ब्राह्मणों, तुम नित्य सामगान किया करो और श्रीमाल क्षेत्र में कलाद नाम वाले तुम होंगे, जिनको त्रागण सोनी भी कहा जाता है, और ब्राह्मणों की स्त्रियों के आभूषण बनाना तुम्हारा काम होगा। इस प्रकार यह प्रतिबिंब से उत्पन्न 8,064 कलाद ब्राह्मण हुए। उनमें से वैश्य धर्मी बसोनी हुए, वह पठानी, सूरती, अहमदाबादी, खंबाती, ऐसे अनेक भेद वाले हुए। यह जिन ब्राह्मणों के पास रहे उन्हीं के नाम से कलाद त्रागड़ ब्राह्मणों का गोत्र चला। इस प्रकार यह द्रागड़ ब्राह्मण भी अध्ययन करते और भूषण बनाते। फिर ब्राह्मणों के धन आदि की रक्षा के लिए विष्णु ने अपने जंघा से गुलर दंडधारी दो वैश्य उत्पन्न किए और उनको ब्राह्मणों की सेवा में लगाया। गौवों को पालना और व्यापार उनका कार्य हुआ और 90,000 वैश्यों ने यहाँ निवास किया और उनके स्वामी ब्राह्मणों के गोत्र से उन वैश्यों के गोत्र हुए। उस नगर के पूर्ववासी प्रागवाट पोरवाल कहलाए, दक्षिण के पटोलिया, पश्चिम के श्रीमाली और उत्तर के उर्वला कहलाए। इन ब्राह्मणों के गोत्र हैं कौशिक, शांडिल्य, मौद्गल, लोडवान, हरितस, औपनयव, गौतम, कपिंजल, भारद्वाज, वत्सस, चंद्रास, काश्यप, पराशर और सनकस।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया श्री मालिक ब्राह्मणों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।